भारत विकसित की आगरा यात्रा में नगर विकास मंत्री हुए शामिल। संकल्प यात्रा में महापौर हिमलता के साथ शहरी विधायक व पार्षद तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। नगर विकास मंत्री ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों से भारत सशक्त बनाने का संकल्प लिया। नगर विकास मंत्री ने सरकार के योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ लाभार्थियों को दिए प्रमाण पत्र। विकसित यात्रा के माध्यम से देश को सशक्त, दिव्य व मजबूत बनाने के लेकर यात्रा शुरू की। समाज के पिछड़े वर्ग का हक व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति दिलाने व उन्हें लाभ दिलाने के लिए यात्रा की शुरुआत बताई। देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्प यात्रा का बताया उद्देश्य। नगर विकास मंत्री ने राजस्थान में सीएम पद के पुराने नाम घोषित होने के बाद कमेटी घोषित होने वाली बात पर नगर विकास मंत्री सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। तीनों राज्यों के चुनावों में ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय नेतृत्व की दूरदर्शिता का परिणाम बताया। विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से विकसित भारत संकल्प यात्रा आज यहां आगरा में आई हुई है। उसके निमित्त मेरा उसमें शामिल होना हुआ। आज इस कार्यक्रम में हमारे महानगर के यशस्वी अध्यक्ष, हमारे माननीय विधायकगण, माननीय महापौर जी, माननीय MLC साहब और सभी गणमान्य लोग और हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें शामिल रहे। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं एक सुंदर कार्य आयोजित करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये जो विकसित भारत का संकल्प यात्रा चल रही है, जैसा कि आपने पंच जो प्राण जो संकल्प हमने उन लोगों ने लिए उसमें भी परिलक्षित हो रहा है कि हम देश को सशक्त राष्ट्र बनाएंगे, अपने देश को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे। इस संकल्प के साथ ये यात्रा चल रही है। साथ ही समाज के पिछड़े गरीब लोगों को, वंचित लोगों को उनका जो हक है, उनकी जो आवश्यकताएँ हैं उसकी पूर्ति कराने के लिए भी हमारी ये यात्रा है। आपने देखा होगा कि लाभार्थियों के लाभ के लिए, मार्गदर्शन के लिए जहाँ एक तरफ कैंप लगाए गए हैं, वहीं उन लाभार्थियों को विकास की योजनाओं से जोड़ करके हम लोग उनका लाभ भी उन लाभार्थियों तक पहुँचाने की कोशिश की है। कुछ लोगों को आज भी लाभ दिए गए। तो दोनों ही तरह से एक पायदान निचले पायदान पे जा करके जहाँ गरीबों को संतुष्ट करने का, उनको विकसित करने की बात है, वहीं पूरे देश को एक नई ऊँचाई पर ले जाने की, जो हमारी पुरानी भव्यता थी उस पर ले जाने के लिए ये विकसित यात्रा का संकल्प है, विकसित भारत की संकल्प यात्रा है। मैं इस अवसर पे उपस्थित तमाम लोगों को नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से अपने समाज के पिछड़े वंचित लोगों को शुभकामना भी देता हूं कि इस अवसर पे उनको शामिल होने का अवसर मिला। राजस्थान में जिस तरह से सीएम की दौड़ के लेकर के अब वहाँ